हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अदील अलवी एंड यू आर वाचिंग द बायोमेड डूड। सो आज हम बात करेंगे स्पायरोमेट्री के बारे में, इसको वाइटेलोग्राफ भी कहते हैं। सो तो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि MIR की जो स्पायरो लाइफ मशीन है, इसके अंदर एक फॉल्ट आया हुआ है जो कि मेरे पास आई है रिपेयर होने के लिए। तो इसका जो प्रिंटर है वो एग्जैक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा, और इसका फंक्शन यही होता है कि हम जो है इसके साथ एक अडाप्टर होता है, ये मेन यूनिट होता है, इसके साथ एक ये कनेक्टर होता है जिसके ज़रिए आप जो है एयर ब्लो करते हैं, ये इसकी प्रोब है कह लें, तो उससे जो है वो आपकी जो सांस है उसकी जो स्पायरोमेट्री है उस तरीके से की जाती है। सामने इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, और इसके टॉप साइड के ऊपर यहाँ पे प्रिंटर असेंबली है जिसके अंदर आप पेपर रोल वगैरह लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मेन कंप्यूटर के साथ यूज़ करके अपना मेन जो प्रिंटर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने मशीन को ऑन कर लिया है, इसकी ऑपरेटिंग की मैंने कम्प्लीट कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो भी सारे एक्सप्लेन किया, और इसका जो पेशेंट आईडी आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है इसकी स्पायरोमेट्री का टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका जो है प्रिंटर का जो मसला है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं प्रिंटर की ऑप्शंस पे जाके इसको प्रिंटर को सिलेक्ट करता हूँ, तो प्रिंटर जो है जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर जो है ना वो प्रिंटर शो होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है कि वो प्रिंटर की ना आवाज़ें आती हैं। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये चेक करें आप, इसकी आवाज़ें आ रही हैं जैसे वो प्रिंटर चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, इसके अंदर कोई डैमेज हो गया है या कुछ तरीके से कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो मैं इसको जो है हम खोलेंगे इसको प्रिंटर असेंबली को, उसके बाद चेक करेंगे किसका क्या मसला। ये प्रिंटर असेंबली मैंने खोली है, तो इसके अंदर ये पेपर तो ठीक लगा हुआ है, और ये इस यहाँ पे कोई जो है ना इसका कोई फॉल्ट लग रहा है मुझे, ये प्रॉपर इसको जो है ना वो मूव नहीं करवा रहा। तो इसका जो यहाँ पे एक लगा होता है थ्रेड वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे मे बी इशू हुआ, हमने कुछ समय सामने कुछ नज़र भी आ रहा है, शायद कुछ डैमेज हुआ है। तो इसको हम अब जो है वो खोल के चेक करेंगे। इस पूरी असम्बली को जो है ना अलग से आप नहीं निकाल सकते, इसके अंदर भी जो है ना वो बोर्ड्स के ऊपर स्क्रू लगे होते हैं। अभी तो ये देखें ना काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं, अब इसको खोलते हैं फिर। तो ये यूनिट को मैंने खोली है, अब जो है ना प्रिंटर असेंबली के ऊपर भी कुछ स्क्रू लगे होते हैं, उनको भी वन बाय वन करके खोल लेते हैं, पूरा ओपन करके फिर अंदर देखते हैं कि अंदर जो इसका वो मटेरियल है किस टाइप का है। तो ये यूनिट पूरा ओपन हो गया है, ये सामने हमारे प्रिंटर असेंबली हैं, इसके जो स्क्रूज अंदर लगे हुए थे वो तो हमने खोल लिए थे जो फ्रंट पे, अब जो अंदर लगे हुए हैं उसको भी वन बाय वन करके खोल लेते हैं, और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स का क्या फंक्शन है। तो ये प्रिंटर असेंबली हमने बाहर निकाल ली है, इसके जो जैक लगे हुए हैं उसको आपने एहतियात से निकालना है, इसकी स्ट्रिप बार दफा डैमेज हो सकती है। सो तो गाइज, ये प्रिंटर असेंबली मैंने पूरी निकाली है, वहाँ पे ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो थ्रेड्स बने हुए हैं इनका कुछ इशू चल रहा था, ये उसको प्रॉपरली मूव नहीं करवा रहे थे। इसके साथ पीछे डिफरेंट थ्रेड्स लगे होते हैं, और इसके साथ एक मेन मोटर लगी होती है जो इसको मूव करवाती है, जिससे आपका पेपर जो है वो रोल होकर बाहर आता है। ये पेपर का लॉक है, इसको मैंने खोला है, तो अब इसको मैं रोलर को मूव कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली मूव हो रहा है और मोटर के साथ मूव कर रहा है। इसका जो थ्रेड है वो बाहर निकला हुआ था, अभी इसको मैं थ्रेड को बाहर निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि कहीं से डैमेज तो नहीं हो गया, क्योंकि बार दफ़ा ये होता है कि चलने के बाद या कोई चीज़ अंदर फंस जाती है उस वजह से ये डैमेज हो जाता है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा। इसको मैं प्रॉपर खोलता हूँ, इसका जो जैक है वो बाहर निकालता हूँ, इन दोनों ये तीनों थ्रेड्स को मैं बाहर निकाल के बारी बारी फिर हम चेक करेंगे। ये पहला हमने थ्रेड्स निकाल लिया, और दूसरा जो है इसको भी बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसको इसके अंदर लॉक लगा होता है, उस लॉक को आप पुट करेंगे तो बाहर निकलाएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला जो पहला थ्रेड है जो प्रॉब्लम कर रहा था, इसकी एग्जामिनेशन कर लेते हैं, इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरा थ्रेड है उसको भी मैं जो स्क्रू ड्राइवर है उसके जरिए खोल लेता हूँ, उसका लॉक भी बाहर आ गया और वो पूरा थ्रेड भी बाहर आ गया।
सो ये वाला पार्ट जो है वो हमने फिक्स कर दिया है इसके ऊपर प्रॉपर। अब जो है ना ये इसको घुमा रहा है प्रॉपरली, तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम जो है ये उल्फी हम लगा देंगे, उससे ये होगा कि ये जो है ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा और ये दोबारा बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं अभी जब तक ये इसको ड्राई करती है तो मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ ताकि वो जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाए। और उसके बाद ये वाली जो है ये वाला पार्ट हम एज इट इज़ इसके ऊपर लगा देंगे, ये वाला पार्ट इसको घुमाएगा, इसके थ्रेड्स जो हैं वो ठीक हैं। तो इसके बाद हम इसको लगा के इसको पुश कर देंगे, पुश करने के बाद ये इसकी नॉब है छोटी सी, ये इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये दोबारा बाहर ना निकल सके। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है, ये जो है मोटर इसको घुमा रही है, मोटर इसको घुमाती है, ये इसको घुमाता है और ये इस एंड वाले पोर्शन को घुमाती है जो कि हमारा काम नहीं कर रहा था। तो अब इसको मैं एडजस्टमेंट करने के बाद इसको मैं दोबारा लगाता हूँ। और ये इसका मेन प्रिंटर असम्बली है, और इस तरह ये बैटरी है जो कि बैटरी के वोल्टेज में आपको 7.2 वोल्ट हैं इसके, ये जो बैटरी है ये 4.3 AH की बैटरी है, तो ये इसके साथ डेडिकेटेड बैटरी है। और इस तरह ये पूरा इसका एक ही मेन PCB बोर्ड है, तो यहाँ से डिस्प्ले को जाती है केबल्स, और एक उसको जाती है लाइट को जाती है, ये वाली लाइट को जाती है जो LCD की लाइट है, और इस तरह यहाँ से केबल जो है उसके टच स्क्रीन को जाती है। तो अब इसको मैं प्रॉपर बंद करता हूँ क्योंकि इसका सिर्फ मसला यही था कि इसका जो प्रिंटर है वो आवाज़ दे रहा था, वो चल नहीं रहा था। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंटर असम्बली है वो उसको एज इट इज़ मैं इसके ऊपर इसकी केबल्स अटैच कर देता हूँ। तो केबल्स इसकी एज इट इज़ अटैच हो जाएंगे, उसके साथ इसको मैं लॉक कर दूंगा। तो प्रिंटर असम्बली फिक्स हो गई है प्रॉपर, और ये इसको मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो ये प्रॉपर काम कर रही है, और यहाँ पे इसकी जो पोर्शन डैमेज था उतरा हुआ था उसको भी मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसको मैं इसकी जो बाकी केबल्स मैंने उतारी थी उसको मैं एज इट इज़ लगा के इसको फिर ऑन करके चेक करते हैं। मशीन टोटल बंद कर दी है मैंने, उसके बाद अब मैं पेपर रोल जो है वो अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से उसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको जो प्रिंटर के असम्बली है उसके अंदर से गुजार के फिर मैं उसके ऊपर कवर लगाऊंगा। कवर लगाने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे इसका जो प्रिंटर है वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, अब मैं इसकी डायरेक्ट प्रिंटर की तरफ जाता हूँ, प्रिंटर असम्बली की तरफ, वहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ये प्रिंटर जो है ना इसका निकलना शुरू हो जाएगा अभी, ये चेक करें आप, प्रिंटर प्रिंट दे रहा है प्रॉपर, इसका जो रिज़ल्ट है जो भी हमने लास्ट एग्जाम किया था उसका रिज़ल्ट प्रॉपरली आ रहा है। तो इसका यही मसला था कि मेन प्रिंटर असम्बली है वो प्रॉब्लम कर रही थी, उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कुछ, हमने उसको चेक किया, उसके अंदर जो असम्बली का जो पार्ट्स थे वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, उसको हमने सेट किया, और करने के बाद ये पूरा हमारे पास रिज़ल्ट कंप्रीहेंसिव रिज़ल्ट निकल के बाहर आ गया। इस रिज़ल्ट के अंदर आप ग्राफ भी बना देख सकते हैं, और उसके बाद जो रीडिंग्स होती हैं सारी वो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट के साथ है, जो जो सेट किया होता है आपने वो भी रीडिंग, जिसमें पेशेंट का डाटा भी होता है, एज भी होती है, सारा कुछ होता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर आपने कंप्लीट जो है वो इसकी रिपेयरिंग डन कर दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।